हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने प्लस वन क्लास का नेक्स्ट टॉपिक बोहर मॉडल करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और रेबर फॉर्मूला किया था। तो बोहर मॉडल क्या है, उसमें मेन पोस्टुलेट क्या है? इसके मेन पोस्टुलेट ये है, ये जो हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने की है उसी को बेस लेके चला कि एटम है, इट कंसिस्ट ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इनसाइड द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम में क्या होगा, एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो सेंटर में क्या होगा, कंटेन्स या कंसिस्ट हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स। फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व होंगे, ये फिक्स है। जिनको क्या नेम दिया, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एन से रिप्रेजेंट कर दिया, या एन किसके इक्वल होगा, के एल एम एन, इससे रिप्रेजेंट कर दो। यानी कि जो फर्स्ट सेल है उसको 1, नेक्स्ट को 2, 3, 4, या हम इसको नंबरिंग दे सकते थे के, फर्स्ट सेल को एल एम एन एंड सो ऑन। दूसरा इसने कहा, जो ये ऑर्बिट्स हैं हमारे, जो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स बोले, इनके जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो भी मल्टीपल किसकी होगी, एच अपॉन 2π के। मैं फिक्स है, फिक्स किस सेंस में, इन द सेंस इनकी एनर्जी, वो यहीं पर भी डाल दो, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स। मीन्स इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, नेक्स्ट की अलग है, उससे नेक्स्ट की अलग है, और उनकी एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगी एच अपॉन 2π। यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमारी क्या होती है, एम वी आर, दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। एन क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, होल नंबर में ही होगा। अब जो हमने कहा इसकी एनर्जी फिक्स है, तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में है और पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेडिएट या गेन और लॉस एनर्जी व्हाइल इट रिवॉल्व्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। जब उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो एनर्जी ना गेन करेगा ना लॉस करेगा, जिसे हम उसकी स्टेशनरी एनर्जी बोलेंगे। स्टेशनरी एनर्जी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, या स्टेशनरी स्टेट भी बोल देते हैं, कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट में नहीं, उसकी एनर्जी स्टेशनरी है। मीन्स एनर्जी वो ना गेन करेगा ना लॉस, जिसकी वजह से एटम हमारा स्टेबल रहेगा। जैसे सपोज जब तक वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी एक फिक्स है, वो वही रहेगी, ना गेन करेगा ना लॉस। लेकिन अगर हम इसको एनर्जी सप्लाई कर दे, तो ये जब इसकी इस ऑर्बिट जितनी एनर्जी हो जाएगी सेकंड जितनी, तो ये वहां पर जंप कर जाएगा, तब तक वो यहां था। अब अगर मैं इसको एनर्जी को E1 बोल दूं, इसको E2, तो जो पहले वाली है E1 है वो क्या है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट थी। E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो चेंज कितना एनर्जी का, डेली दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये चेंज आएगा एनर्जी का, कि इतनी एनर्जी दे तो वो वहां चला गया, इन दोनों के एनर्जी का गैप भी आ जाएगा। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां स्टेबल होगा, ग्राउंड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर ये गया तो ये वापस उतनी एनर्जी रेडिएट करेगा और यहां आना चाहेगा। तो यहां से हम उस फोटोन की जो रेडिएट करेगा उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं, यही होगी E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू H न्यू।
यहां से एक फॉर्मूला बन गया हमारा, एच न्यू किसके इक्वल होता है, अभी हमने किया था किस में किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये किया था। यहां से न्यू भी हमें पता है, अगर हमें यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, ई टू माइनस ई वन बाय एच, ये जाएगी। अगर हमें यहां से लैम्डा निकालना है तो ये क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन बाय एच। यहां से अगर मैं लैम्डा निकालूं तो वेवलेंथ किस तरह आएगी, ये लैम्डा उधर भेज दिया, इधर भेज दिया, दैट इज इक्वल टू एच सी बाय ई टू माइनस ई वन, एच सी बाय ई टू माइनस ई वन, मतलब हम यहां से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, हम यहां से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम यहां से उसकी एनर्जी भी बता सकते हैं, nth ऑर्बिटल में अगर ये है ई एन, वो किसके इक्वल आएगी, ई एन का हमारा देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस आर एच, आर एच और वर्ग कॉन्स्टेंट है, किसकी निकाल सकते हैं, जो हाइड्रोजन जैसे एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था हमारा, वन बाय एन स्क्वेयर, यहां पर एन क्या हो सकता है, वन टू कोई भी हो सकता है इसमें से, माइनस आर एच इंटू वन बाय एन स्क्वेयर। और इसको अगर मैं निकालूं ई एन क्या भी लिख सकता हूं मैं, इट कैन बी रिटन एज टू पाई एम ई की पावर फोर अपॉन एच स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर, मैं ये भी लिख सकता हूं, क्यों माइनस, क्योंकि हमारा जो आर एच है इसकी वैल्यू होती है टू पाई एम ई की पावर फोर अपॉन एच स्क्वेयर, ये होती है आर एच की वैल्यू, आर एच इंटू वन बाय एन स्क्वेयर है तो एन स्क्वेयर वहां से आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके लिए, ये क्या निकल गया हमारी nth ऑर्बिटल में जो एनर्जी है वो निकल गई। इसके अलावा हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस किसके इक्वल आएगा, एक तो फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट ए नॉट इंटू एन स्क्वेयर, एन वही है ऑर्बिटल, वो फर्स्ट में है सेकंड में है, फर्स्ट ऑर्बिटल में है, तो ये हो जाएगा रेडियस, एक यहां पर ए नॉट फिक्स है, ए नॉट है 52.9, तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिटल है तो वन का स्क्वेयर यही रह गया, इतने आ जाएंगे, अगर हमारा सेकंड है तो इंटू टू का स्क्वेयर इंटू फोर हो जाएगा, एंड सो ऑन, सिंपल मेथड ये होगा। उसके अलावा अगर मैं यहां अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूं आर का, तो दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन फोर पाई एम ई की पावर टू, अगर मैं इन सबको सोल्व कर देता हूं तो हमारा क्या आ जाता है, जो ये ऊपर वाला फॉर्मेट ए नोट हो जाता है, इन सब की वैल्यू ये है 52.9 इंटू एन स्क्वेयर, गॉट इट। ये तो बोहर के कुछ मेन पोस्टुलेट्स थे, अब बोहर मैं इरेज कर लेता हूं, तो अभी हमने क्या बताया बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स, उसके बेस पर हम इसके ज्यादा सक्सेसफुल रहने जो ड्रॉबैक्स थे हमारे किसके, रदरफोर्ड के, वो कैसे निकले, उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बताया, इसने बताया कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन हुआ। दूसरा हमारे दो टर्म्स आई हैं अभी यहाँ, हम एक तो एनर्जी निकाल सकते थे ई एन, वो किसके इक्वल आया था हमारा माइनस आर एच, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू वन बाई एन स्क्वेयर, ये आया। यहां से अगर मैं लिखूं इसको तो ये क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, नेगेटिव, जो किसको इंडिकेट करेगी कि वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा, क्यों, और ये नेगेटिव कैसे आई, सपोज हमारा ये है न्यूक्लियस, कोई इलेक्ट्रॉन इससे अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इनके बीच में जब इंट्रैक्शन नहीं है वहां पर हम इसकी एनर्जी क्या कंसिडर करते हैं, जीरो, एट इंफिनिटी
when there is no interaction between electron and nucleus, we consider its energy equal to zero. अब हमें पता है जितनी energy कम होगी उतना nucleus के पास आएगा. तो अगर ये zero से कुछ energy loss करेगा तब ये nucleus की तरफ move करेगा, और zero से अगर कम हुई तो energy कैसी हो जाएगी? Negative. यहां तक आते आते जो first orbital है ये maximum जो possible negative value थी वो achieve कर लेगा. Means मैक्सिमम पॉसिबल जो लोवेस्ट लिमिट है उसकी एनर्जी की वो अचीव कर लेगा, उससे नीचे वो एनर्जी नहीं लॉस कर सकता, इसलिए वो कभी भी इसके अंदर नहीं गिरेगा, एटम हमारा सेफ है. एक तो पॉइंट एनर्जी के बेस पर था. दूसरा क्वांटाइजेशन, अभी हमने बोला कि इनके जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होती है, एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन इन टू एच बाय टू पाई. इसका मतलब है वो ऑर्बिटल है वो फिक्स एंगुलर मोमेंटम के, वो ऐसा भी नहीं कि कहीं बीच में चक्कर काटने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिक्स ऑर्बिटल में ही काटेगा. इसकी वजह से इसने ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारी रदरफोर्ड तक की वो निकाल दी. कुछ लिमिटेशंस बोर मॉडल की भी रही, वो कौन कौन सी रही, इसने 2D मॉडल एक्सप्लेन किया, 3D मॉडल एक्सप्लेन ही कुड नॉट एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एन एटम. जबकि हम जो भी चीज़ें डील करते मार्कर है 3D है, जिन चीज़ों से हम डील कर रहे हैं वो 3D हैं, ये 3D मॉडल नहीं बता पाया. दूसरा हमारे आगे हैं जी मैनिफेक्ट वगैरह, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन कर देगा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन आए वो भी एक्सप्लेन नहीं होगा. तो इसके बाद मैं नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बता देता हूँ. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने रेबर के अकॉर्डिंग भी किया था, अब बोर के अकॉर्डिंग कर लेते हैं. हमारी कुछ सीरीज आई थी लाइमन, बाल्मेर, पाशन सीरीज, फिर थी ब्रैकेट, फिर पीफन. इसमें N1 क्या था, 1, N2 क्या था, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी. इसमें N1 आया था 2, N2 आया था 3, 4 अप टू इन्फिनिटी. इसमें N1 आया था 3, N2 क्या था 4, 5 अप टू इन्फिनिटी. इसमें N1 कितना था हमारा 4, N2 कितना था 5, 6, और इसमें N1 था हमारा 5, N2 क्या था 6, 7 अप टू इन्फिनिटी. लाइमन में N1 1 से शुरू हो जाएगा, N2 उसके बाद का कोई भी है. बाल्मेर में N1 2 से होगा, इसमें 3 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से, N2 से नेक्स्ट से आगे कहीं तक भी. अब इसके बेस पर हमें एनर्जी अगर निकालनी है वो हम कैसे निकाल पा रहे थे. अब देखो ये मान लिया N है यहाँ पर 1, N1 जो भी है यहाँ पर N है, हमने लिया 2, यहाँ हमने N लिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझाने के लिए एक बार के लिए मैंने 8 तक जो भी लाइन है ये लगा ली. यहाँ N 3 है, N 4, N 5, N इज इक्वल टू 6, 7, 8. तो अगर मैं लाइमन सीरीज बनाऊं तो उसका मतलब क्या है कि N 1 रहेगा, N2 तुम्हारा 2 हो सकता है, या N2 तुम्हारा 3 हो सकता है, N2 तुम्हारा 4 हो सकता है, N2 तुम्हारा 5 हो सकता है, N2 तुम्हारा 6 हो सकता है, N2 तुम्हारा 7 हो सकता है, N2 तुम्हारा 8 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है. N1 फिक्स रहेगा, ये है लाइमन. बाल्मेर में क्या होगा, N1 क्या रहेगा तुम्हारा 2 रहेगा, वो तुम्हारा 8 भी हो सकता है, तुम्हारे 7 भी हो सकते हैं, तुम्हारे 6 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. N2 कुछ भी हो, लेकिन N1 क्या रहेगा इसके लिए 2 बाल्मेर. पाशन में क्या आएगा, N1 आएगा तुम्हारा 3, N2 कुछ भी हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन N1 कितना रहेगा 3, N2 कुछ भी जाए किसमें, पाशन. ऐसे ही ब्रैकेट में क्या आएगा तुम्हारे, N1 आएगा 4, N2 तुम्हारा 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, N1 रहेगा 4 किसमें, ब्रैकेट. पीफंड में क्या होगा, ये रहेगा तुम्हारा N1 5, N2 6, 7, 8 कुछ भी रहेगा, लेकिन N1 5 रहेगा किसमें, पीफन.
गॉट इट। एनर्जी कैसे निकाल लेंगे फिर हम, एन वन एन टू जो अभी निकाला था हमने, डेली निकालना है, दैट इज इक्वल टू ई वन माइनस सॉरी ई टू माइनस ई वन। एनर्जी भी निकालनी अभी देखी थी हमने, ये रहा आर एच अपॉन वन बाय एन स्क्वेयर, इसको क्या भी लिख सकते थे तुम, टू पाई एम ई की पावर फोर अपॉन एन अपॉन एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर या एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। नेगेटिव लग जाएगा साइन, क्यों लग जाएगा, आर एच नेगेटिव, आर एच की वैल्यू है, एन स्क्वेयर यहां पर कंसिडर हो ही गया, चाहे तो ई ये लिख लो चाहे ई ऊपर रहा वो यूज कर दो। तो ई वन है, देखो वो कहे कि कोई हाइड्रोजन एटम है जिसमें ई वन है तुम्हारा वन और ई टू है तुम्हारा टू, कैसे पुट करोगे, ई वन वन होने का मतलब क्या होगा तुम्हारा, यहां पर एन की जगह पुट करोगे तुम वन और टू में यहां पर टू, थ्री दे दे तो थ्री और वन दे दे तो थ्री और वन, थ्री माइनस वन, फोर दे दे तो फोर माइनस वन, एन की जगह जो भी तुम्हारा ई ए दे वो पुट कर दो, वन दे तो वन, टू दे तो टू, थ्री दे तो थ्री, फोर दे तो फोर, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बोहर मॉडल है, मैंने कल कहा था ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक रहेगा, तो इसको आज कंप्लीट करना है, इसके लिमिटेशंस भी, बोहर मॉडल क्या है, एनर्जी कैसे निकलेंगी, क्या पोस्टुलेट है, क्या यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये सब एक्सप्लेन करना। गॉट इट, थैंक यू।